मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक तुर्क गुलाम था। वो बादशाह का पानी पिलाने पर तैनात था। सारा दिन प्याला और स्याही उठाकर तख्त के पास खड़ा रहता था। बादशाह इसकी तरफ देखता था तो वो फौरन प्याला भरकर पेश कर देता था। वो बसों से ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और बड़ी हद तक बादशाह का रम्स शनास हो चुका था। लेकिन एक दिन उससे गलती हो गई। बादशाह का प्याला पेश किया, बादशाह घूंट भरने लगा तो शाही प्याले का एक किनारा झड़ा हुआ था और टूटे हुए प्याले में पानी पीना हिंदुस्तान के बादशाह की तोहीन थी। बादशाह ने प्याला नीचा दे मारा और गुलाम को 20 कुएं लगाने की सजा सुना दी। बादशाह का हुक्म आखिरी हुक्म था। गुलाम को कोड़े भी लग गए और वो ड्यूटी से फारिग भी हो गया। वक्त बदला और औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद को कैद में डाल दिया और वो तमाम गुलाम और मुलाजमीन बूढ़े बादशाह पर तैनात कर दिए जिन्हें कभी शाहजहां ने सजाएं दी थीं। वो पानी पिलाने वाला गुलाम भी इन मुलाजमों में शामिल था। बादशाह को कैद में प्यास महसूस हुई, पानी मांगा, गुलाम आया और प्याला बादशाह के हाथ में पकड़ा दिया। बादशाह ने प्याले को गौर से देखा, वो शिकस्ता था और किसी ने इसकी कृशियाँ इसकी ठेकरियाँ जोड़कर इसे काबिल इस्तेमाल बनाया था। बादशाह ने हसर से प्याला देखा और फिर गुलाम की तरफ देखकर पूछा, मेरे साथ ये सुलूक क्यों? गुलाम ने मुस्कुराकर अर्ज किया, हजूर ये वक्त का सुलूक है। ये वही प्याला है जिसका एक कोना झड़ने पर आपने इसमें पानी पीने से इनकार कर दिया था और इसे जमीन पर मार कर तोड़ दिया था। मैंने इस टूटे हुए प्याले की किरचियां उठा ली थी, मैंने इन्हें जोड़ा और इस घड़ी का इंतजार करने लगा जब आपको वक्त इस प्याले में पीने पर मजबूर करेगा। और बस सलामत वो वक्त आ गया। शाहजहां की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू अगर ना भी आते तो भी बादशाह ने बाकी ज़िंदगी पानी इसी टूटे हुए प्याले में पीना था। क्यों? क्योंकि ये दुनिया एक वादी है और इस वादी में हर शख्स को अपनी अना, अपने तकब्बुर और अपनी हिमाकतों के बाज़गश्त बहरहाल सुनना पड़ती है। दोस्तों, भलाई का बदला सिर्फ भलाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान दूसरे इंसान के साथ भलाई के साथ पेश आए और दूसरे इंसान के दिल में इज्जत का मोहब्बत का जज्बा बना रहा हो। इंसान चाहे कितना ही बड़े मनसब पर फाइज हो, भलाई करना नहीं छोड़ना चाहिए। किसी मुलाजिम को हक जानना और छोटी छोटी बात पर झड़क कर बात करने से सजा देने से नफरत बगावत के जज्बात उभरते हैं। जितना बड़ा मनसब होता है जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े मुस्लिम हाकिम रात की तारीकी में भेद बदल कर आवाम की खबरगिरी किया करते थे। ये देखा करते थे कि आवाम उनसे कितना खुश हैं। आवाम क्या सोचती है, आवाम हाकिम की कितनी इज्जत करते हैं, कितने खुशहाल हैं, ये सिर्फ भेज बदल कर ही मुमकिन है। अगर शाहजहां अपने मुलाजमीन के साथ बेहतर सलूक करता तो वो तमाम मुलाजमीन जो बादशाह के मुखालिफ थे, दुश्मन थे, वो उसके वफादार साथी भी बन सकते थे। और मुमकिन था कि शहजादा जहांगीर बादशाह को कैदखाने में डालने में नाकाम रहता